लाइफ में क्लास 10 संस्कृत नीति श्लोका का ऑब्जेक्टिव दोस्तों क्वेश्चन इस वीडियो में आप पढ़ेंगे और आसानी से फ़ायदा उठाएंगे और 2022 एग्जाम में दोस्तों धमाल मचाएंगे। बहुत ही नज़दीक एग्जाम है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आप सभी दोस्त इस वीडियो को दो बार तीन बार देखने का प्रयास करें, ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है। मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है चाणक्य नीति से, बी में है भास नीति से, सी में है कृष्ण नीति से, डी में है विदुर नीति से। तो दोस्तों जानते हैं जो नीति श्लोका पाठ है वह विदुर नीति से संकलित है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आप पाठ पढ़ रहे थे महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में जो विदुर जी हैं वह धृतराष्ट्र के प्रश्नों का बार बार जो है आंसर देते हैं। इसमें 10 श्लोक है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर सी विदुर जी हो गए, ठीक है। क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ कितने श्लोक हैं। देखिए अभी मैंने बताया दोस्तों 10 श्लोक था, कितने श्लोक हैं 10 श्लोक। क्वेश्चन करते हैं, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, चाहे देता है, ठीक है। चलिए तो धृतराष्ट्र का दोस्तों महाभारत में देखे होंगे दुर्योधन के पिता कौन है, धृतराष्ट्र का उत्तर देते हैं। क्वेश्चन, विदुर कौन था। दोस्तों विदुर कौन था, मंत्री था, ऑप्शन नंबर बी। सातवां क्वेश्चन, विदुर नीति के रचनाकार कौन है, ऑप्शन नंबर डी विदुर जी, ठीक है। बहुत ही जल्द आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका जो समय गवाए ना और वीडियो लंबी ना हो। आठवां क्वेश्चन, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, ऑप्शन नंबर बी महाभारत का। नौ नंबर क्वेश्चन, विनय को कौन मारता है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आकृति, ठीक है। दसवां क्वेश्चन है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों प्रियवादी, जो प्रेम करने वाले होते हैं वो सभी जगह जो है आसानी से काम कर लेते हैं। ग्यारह क्वेश्चन, बिना बुलाए कौन आता है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों मूर्ख लोग। बारह नंबर क्वेश्चन है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है, ऑप्शन नंबर ए पंडित, ठीक है। पंडित का मतलब दोस्तों क्या होता है, विद्वान। विद्वान का मतलब क्या होता है, ज्ञानी, ठीक है। तेरह नंबर क्वेश्चन है, बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों मूर्ख, मैंने अभी बताया। चौदह नंबर क्वेश्चन है, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों नरक के, ये तीन द्वार होते हैं, ठीक है, याद रखिए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, धर्म की रक्षा किससे होती है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सत्य से। सोलह नंबर क्वेश्चन, नरक के कितने द्वार होते हैं, भैया मैंने बताया ना तीन, काम क्रोध लोभ, ठीक है। नंबर क्वेश्चन है, विनय किसको मारता है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों अपयस को, ठीक है। सुख किसे कहा गया है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हिंसा तो होगा ही नहीं, क्रोध ये भी तो होगा नहीं, अहिंसा अहिंसा हो जाएगा, क्षमा भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्षमा भी करते हैं किसी को तो भी आप में गुण सुख देने वाला होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अहिंसा याद कीजिएगा, सुख से क्षमा से अहिंसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उन्नीस, कुल यानी वंश की रक्षा किससे होती है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों चरित्र से, ठीक है। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है, चलिए बताइए, विद्या सबसे श्रेष्ठ है, क्रोध योग धर्म, जल्दी से दोस्तों। यहाँ पर देखिए उस पाठ में ज़्यादा मात्रा में धर्म के बारे में बात किया, महाभारत के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पर धर्म हो जाएगा राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, दोष कितने होते हैं, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 6 दोष होते हैं, ओके। 22 नंबर क्वेश्चन है, घर की लक्ष्मी कौन है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों स्त्रियां जो है क्या होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं, यानी स्त्रियों के गर्भ से ही बड़े बड़े महापुरुष जन्मे हैं, इसलिए स्त्रियां क्या होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं, वंश परंपरा को चलाने वाली होती हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, पराक्रम से किसका नाश होता है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों अनर्थ का। 24, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों कुलक्षण का। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, स्त्रियों के दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन, धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है, दोस्तों विदुर जी से, ऑप्शन नंबर बी। 27, प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों विदुर नीति। 28 नंबर क्वेश्चन है, उत्तम शांति क्या है, ऑप्शन नंबर दोस्तों क्षमा। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, नराधम किस पर विश्वास करता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों अविश्वासी पर। 30 नंबर क्वेश्चन है, विद्या की रक्षा किससे होती है, योग से। योग जानते हैं, अभ्यास होता है, योग मतलब क्या होता है, अभ्यास। यदि आप अभ्यास करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आप विद्या की रक्षा कर पाते हैं, ठीक है, आपको विद्या याद रहती है। 31, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है, पंडित होता है दोस्तों, जिसे हमको बोलते हैं क्या, ज्ञानी। 32, क्षमा किसे मारता है, यहाँ किसे होगा, है ना, क्रोध को मारता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। यानी उपटन से किसकी रक्षा होती है दोस्तों, रूप की अच्छा होती है दोस्तों उपटन लगाने से, ठीक है। आई होप के वीडियो पसंद आ रहा दोस्तों, और 2022 एग्जाम में एकदम धमाल मचाएंगे कक्षा 10वीं में,
और दोस्तों मैं वीडियो आपको डालता रहा हूँ दोस्तों, लेसन बाय लेसन मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप देखें और प्रयास करें और फ़ायदा उठाएं दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें ठीक है, और लाइक करें वीडियो को दोस्तों ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद चाहें।